इधर कोरोना के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बैठक ले रहे हैं। विश्वास सारंग और नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अब सख्त होती जा रही है। बैठक में मध्य प्रदेश में प्रतिबंधों को लेकर चर्चा हो रही है। तो अहम खबर और बड़ी खबर इस वक्त की, विश्वास सारंग और नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक है। कुछ और फैसले हो सकते हैं, किसी नतीजे पर यह बैठक पहुंच सकती है और उसके बाद हो सकता है कि एकाध पाबंदियां और बढ़ाई जाए। बहरहाल एक पाबंदी यहां पर जरूर है कि नाइट कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है, रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर और अहम खबर आ गई कि कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग इस बैठक में मौजूद है। जाहिर है कि कोई और फैसला भी इसमें लिया जा सकता है। तो सरकार बेहद सजग है, इस बार बेहद सावधान है और यही सजगता यही सावधानी जनता को भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग मास्क लगाना भूल रहे हैं, जो लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भूल रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है, उन सभी के लिए संकेत साफ है कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहिए और वैक्सीन अगर नहीं लगवाई है तो उसको लगवा लीजिए। तो बैठक में मध्य प्रदेश में कुछ और प्रतिबंध क्या हो सकते हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक है। तो विश्वास सारंग, नरोत्तम मिश्रा समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार बेहद सख्त है, सावधान है। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये माना जाए क्या कि इस बैठक के बाद कुछ और फैसला यहां पर सरकार की ओर से लिया जा सकता है, या फिर जो प्रतिबंध है अभी उन पर कोई अंतिम फैसला नहीं होगा, सिर्फ स्थिति की गंभीरता को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है? देखिए, अभी तो बैठक की बात करें तो बैठक में सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कमिश्नर कलेक्टर के साथ ये मंथन किया जा रहा है, ये आकलन किया जा रहा है। इस पर मंथन हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना और जो मध्य प्रदेश के जुड़े हुए जो पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों में कोरोना और ओमिक्रॉन की स्थिति क्या है, उस आधार पर जो है सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये पूरी बैठक कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी फैसला लेना है कि अगला कदम क्या होगा। देखिए, कल हम बात करें जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, सरकार ने जो आकलन किया था उसके आधार पर लागू किया गया है, और आज अभी बात करें तो मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं, सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और कलेक्टरों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है कि उनके जिले में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, तैयारियां कितनी हैं, और उनके से जिले से जुड़ा हुआ यदि पड़ोसी प्रदेश का कोई जिला है, कोई सीमा लग रही है, तो वहां पर कोरोना की क्या कितनी क्या स्थिति है, इसकी भी बड़ी बारीकी से समीक्षा की जा रही है। जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश जिस ओर बढ़ रहा है वो इसी ओर बढ़ रहा है कि जो गाइडलाइन है उसमें अब सख्ती देखने को मिल रही है, और सीएम ने जो संबोधन दिया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अभी तो नाइट कर्फ्यू लगाया है लेकिन जरूरत पड़ी तो सख्ती और बढ़ाई जाएगी। जो सबसे बड़ी चिंता सरकार की इस बात को लेकर है कि क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो रात 12 बजे तक तय किया गया था, देर रात तक तय किया गया था। ये भी माना जाए कि अपने अपने जिलों में या अपनी अपनी जगहों पर और ज्यादा सख्त यहाँ पर प्रशासन रहे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और ये आप भी देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो लगभग पहुंच के करीब है लेकिन पूरा नहीं हो सका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।